एनिवर्सरी एवरीबॉडी, तुम सभी को द रॉकरी शो के चैनल के एनिवर्सरी का हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे ही विश करते क्या? ओए गोटिया, तेरे को भी हैप्पी एनिवर्सरी। रॉनी शो के हो चुके पूरे के पूरे 9 साल। मैंने चैनल बनाया था 14 जून 2015 को। आई हैव नो आईडिया 9 साल कैसे हो चुके हैं। और भाई अगले साल हमारे इस चैनल का 10th एनिवर्सरी है। मुझे कुछ तो स्पेशल करना है अगले साल 10th एनिवर्सरी पर। तो आज इस चैनल के 9th एनिवर्सरी के मुहूर्त पर मैंने सोचा है कि आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हमारे पुराने वीडियोस पर। 9 साल पुराने मतलब कि बहुत ज्यादा क्रेज। तो आ जाओ भाई, चलकर पुराने वीडियोस देखते। और मेरे इस चैनल का सबसे पहला वीडियो का टाइटल था थिंग्स पीपल डू इन अ मुंबई लोकल टू पास टाइम। टाइटल से ही क्रिंज जा रहा है भाई। तो उस जमाने में सब लोग ऐसे टाइप के वीडियोस बनाते थे, थिंग्स पीपल डू हियर, थिंग्स पीपल डू देयर, 10 थिंग्स, 20 थिंग्स, 30 थिंग्स, ये थिंग्स वो थिंग्स, और यही कंटेंट सब लोग देखते थे। ओह शिट, मेरे को अब एक चीज याद आ रहा है, आई थिंक मेरा ये वीडियो इंग्लिश में था। ओ रेनबो पिक, क्या है ये, क्या था ये, तूने देखा क्या था? नहीं। अच्छा वाह, मत देखो। ये वीडियो है नहीं, प्राइवेट वीडियो। आई देर शानी, मैं वीडियो फोन में देख रही हूँ। उतना ही देख के मेरे क्रेज जाके बाकी कैसे देखूंगा मैं। बाय द वे, तुम लोग जो ये चीज देख रहे हो, ये जो तुम लोग एंगल देख रहे हो, ये सेम एंगल है, ठीक है? ये यही वाला एंगल है, यही चीज है, यही दीवार है। वो तुमको दिख रहा है स्विच बोर्ड, वो देखो, वो सेम स्विच बोर्ड है जो यहाँ पर है, बस उसके ऊपर रॉनी का लोगो नहीं था। और मेरा बिस्तर अभी जो ऐसा एंगल में रखा है, तभी इस तरह ऐसा होता था, ऐसा। भाई ये क्या लाइटिंग है बे, क्या मतलब पीछे ही रोशनी जा रहा है, और मेरे को पता नहीं क्यों लगता था वो टाइम पे भाई मैंने क्या मस्त लाइटिंग कर लिया। ओके इंट्रो। अगर तुम लोगों को पता नहीं चैनल का नाम रॉनी शो कैसे पड़ा, मैं बता दूं तुम लोगों को, ये जमाने में मैं देखता था एलेन डीजेनरेस शो, और ऑफ कोर्स मैं ढप लिया दी एलेन शो, द रॉनी शो, बिंदास, ऐसा कॉपी कंट्रोल वी कंट्रोल सी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ओ सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल, उल्टा बोल दिया मैंने। तो आ जाओ गाइस, क्रिंज देखते। अ लोकल ट्रेन ट्रैवल अ लॉन्ग एंड टीडियस, एन एवरेज पर्सन इन मुंबई ट्रैवल्स एन एप्रोक्सीमेट ऑफ 2 टू 3 आवर्स इन एन एवरेज डे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's take a look at top 5 things people do to pass their times in a Mumbai local train. Guys, main nahi hu idhar, tum log ko main nahi dikh raha hu. Number 1, songs. Kya hai ye? Most common thing to find anybody in a local train. Kya accent hai ye? Chhi! Chhi! Main nahi dekh raha hu ye video. Chhi! Chhi, ye kapda tha mere ko mooch bane ka. Chhi! Ye kya cringe bana raha tha main wo time pe yaar. Watching a movie. We all love to watch films and in Mumbai. Oh bhai. तू क्या देख रही है, उधर जा। मैं तो देखूंगी अभी। जा ना उधर, बाद में वीडियो देख, बाद में देख। मेरे सामने मत देखना यार। छी भाई, क्या क्रिंज है ये। और फिर गाइस मैंने एक सीरीज चालू किया, द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज ऑन यूट्यूब, RIP इंग्लिश, जिसका पहला वीडियो अपलोड हुआ था July 3rd, 2015 को। सेटअप चेंज भाई, सेटअप चेंज। तो ये सेटअप पता है किधर है? ये सेटअप इधर है, ये यहाँ से इधर मैंने जाके रख दिया खिड़की के सामने, नेचुरल लाइटिंग, बाहर से धूप भी बाहर है, मस्त वाला लाइट आ रहा है, और मैं रिकॉर्ड कर लिया। ओके सो टुडे वी टेक, आ जाओ गाइस, थोड़ा आ रहे हैं इंग्लिश क्रिंज लेते हैं। 10 टाइम्स इंग्लिश वाज मर्डर्ड ब्रूटली बाय देयर स्टूपिड यार। भाई क्या है भाई यार, ये इंग्लिश में क्यों बताता था मैं पहले यार, आई मीन वो टाइम पे लोग इंग्लिश ही देखते थे। सो द फर्स्ट इज दिस, व्हाट डस दिस इवन से, लाइक व्हिच साइड डू वी स्टॉप। ये मेरा ओनली वीडियो वो जमाने का पब्लिक है, तो तुम लोग इसमें देख के बेरहमी से मुझे गालियां दे सकते हो। आ जाओ गाइस, कमेंट्स पढ़ते इस वीडियो का। नो हेडफोन, नो इंट्रो, नो लोगो ऑफ रॉनी शो ऑन वॉल, एंड रॉनी स्पीकिंग इंग्लिश, लेजेंड वाज बोर्न। नहीं, लेजेंड और पहले बोर्न हुआ था, इसके बाद का है। 2015 फुल इंग्लिश एक्सेंट, 2017 ए हॉकी स्टिक कार रे, 2019 गु खाले, 2020 ए गोटिया, 2024 ए मोदी। कॉफी क्या मजा आ, सच्ची बोल रहा हूँ क्या। इस पे लेटेस्ट कमेंट कितने साल पहले का है? 2 हफ्ते पहले का है। हाय एनीवन हियर आफ्टर देयर मैरिज? यस मैं, आई एम हियर आफ्टर मैरिज। और फिर गाइस ये था मेरे लाइफ का सबसे पहला गेमिंग वीडियो, पोकेमोन गो डाउन ब्लैंक मैप्स रिलीज इन इंडिया, द रॉनी शो। एंड ये वीडियो प्राइवेट है, मतलब मेरे को वीडियो नहीं देखना है, पर मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि इधर ही असली क्रिंज है। इफ यू लिव अंडर अ रॉक, लेट सम थिंग्स अप फॉर यू। ओ मैंने 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 इंट्रो चेंज किया था, देखो कलरफुल कलरफुल इंट्रो, ब्लैक एंड व्हाइट चला गया, कलरफुल आ गया। गाइस मैं नहीं हूँ ये, ओ एक्चुअली पता है वो जमाने में ना मैं ऐसे ऐसे बनाता था ग्राफिक्स, ऐसा इंट्रो वाला मजा आता था मेरे को। नहीं मेरे को पूछ पा रहे, भूल क्यों जा रहा हूँ।
over social media by a storm and it's ever increasing. Check cringe. और by the way ये जो camera angle है ये मैंने फिर से camera angle बदला था और ये तुमको दिख रहा है पीछे जहाँ पे वो थोड़ा लगा हुआ है तो वो एक्चुअली कबर्ड है और कबर्ड के अंदर से शेल्फ से बहुत सारे तो मैं ऐसा कबर्ड को खोलता था ऐसा कैमरा रखता था उसके अंदर और मैं वहां से रिकॉर्डिंग करता था और इधर फायदा क्यों होता था क्योंकि यहाँ पर तुमको दिख रहा है रॉनी शो का जो लोगो है रॉनी वाला ये रॉनी लोगो के जस्ट ऊपर एक बल्ब है और वो बल्ब के लाइट से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था और गाइस अभी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे चैनल का सबसे पहला वायरल वीडियो ये वीडियो है 2015 का तो 2015 में एक वीडियो बहुत वायरल चल रहा था सैंड रिवर इराक वाला और वो वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक इन सब जगह पे बहुत एक्सट्रीमली वायरल था और मैंने बस गूगल सर्च किया कि वो कैसे होता है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते उसके बारे में और मैंने वीडियो बना लिया एंड आई थिंक सो वीडियो अभी तक पब्लिक भी है मेरे चैनल पे व्हाट इसको क्यों रखा है मैंने अभी तक ये साइड रिवर मैंने इसको क्यों रखा है और वापस से ग्राफिक्स चेंज कितने ग्राफिक्स बदल रहा हूं मैं व्हाइट से रेड रेड से येलो कितना ग्राफिक्स चेंज हो रहा है क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी अ वीडियो लाइक दिस बिकॉज़ यू जनरली मेक रोस्ट वीडियोस यस एग्जैक्टली मैं भी सोच रहा ये वीडियो चैनल पे काई को है अभी तक तो ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया और अपलोड करने के साथ ही ये वीडियो बहुत ज्यादा चला आई मीन ये वीडियो फॉरदर लोग देख रहे थे ये देखो कोई तो आंटी ने देखा है ये देखो ये आंटी अंकल ने समझा नहीं मेरे को बट ये इन्होंने भी देखा है और मेरे को देखना है इस पे भाई कितना व्यूज आया था ये आ रहे इंग्लिश की वीडियो में को बहुत व्यूज आया था तो इसके फर्स्ट वीक में आए थे 355 व्यूज और फिर ये सैंड रिवर वाला वीडियो इस वीडियो में मेरे को एक हफ्ते के अंदर आए 11,000 व्यूज मेरा दिमाग खराब हो गया देख के कि इतना व्यूज भी क्या होता है और फिर अभी आते मेरे चैनल के सबसे पहले और सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली वायरल वीडियो पे ये वो वीडियो है जिस वीडियो के वजह से रॉनी शो का चैनल चला और सबसे ज्यादा मजे की बात है कि ये वीडियो मैं शायद से कभी पोस्ट करने नहीं वाला था तो वो टाइम पे ढिंचक पूजा बहुत ज्यादा वायरल थी और मैंने एक वीडियो बनाया था एक्स फैक्टर का ऑडिशन था उस पे मैंने ढिंचक पूजा का शक्ल लगा के एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो बना के मैंने वीडियो को पोस्ट नहीं किया था बहुत टाइम तक क्योंकि मेरे को लगा था वीडियो मजा नहीं आ रहा है वीडियो उतना फन नहीं है और फिर मैंने वीडियो को मेरे दोस्तों को दिखाया और साले देख के हंसने लग गए पागल जैसे और मैंने पूछा क्या मेरे को इसको डालना चाहिए यूट्यूब पे और सबने बोला हाँ डाल दो और फिर मैंने वीडियो डाल दिया फिर से नया इंट्रो Our next contestant hails all the way from India. Okay. Oh shit, मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं ये वीडियो मेरे दोस्तों को नहीं दिखाता और मैं उनकी बात नहीं मानता तो शायद से मेरा YouTube चैनल कभी चलता ही नहीं इतना ज्यादा एंड ये वीडियो डालने के बाद गाइस द रेस्ट इज हिस्ट्री 9 साल हो गए इस चैनल को मतलब 9 साल मुंह दिखा के उसके पहले से वीडियोस बना रहा हूँ और अगले साल आई रियली कांट बिलीव इट इस चैनल का 10th एनिवर्सरी है भाई टाइम कितनी जल्दी जाता है तो मेरे को रॉनी शो चैनल के 10th एनिवर्सरी के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल करना है मेरे दिमाग में है कि मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना है बट आई थिंक सो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे को 10th एनिवर्सरी के लिए इस चैनल को एक्टिव मैं इस चीज को वीडियो में बनाकर बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आकर गाली दे देकर बोलो कि भाई इस चैनल पे वीडियोस नहीं आए वीडियोस कब आ रहे हैं एंड यस गाइस मैं तुम लोगों को पूरा राइट दे रहा हूँ कि अगर इस चैनल में मैंने एक हफ्ते में मिनिमम एक वीडियो नहीं बनाया इंस्टाग्राम पे आओ तुमको जितना दिल खोल के गालियां दो मेरे को बट इस बार मेरे को करना है आई थिंक सो पिछले 9 साल में शायद से मैंने 50-60 वीडियो अभी तक तो मैंने बना के पूरा रेडी होके डिलीट मार दी क्योंकि मजा नहीं आया बट ये चीज गाइस इस बार नहीं करेंगे इट इज टाइम टू मेक द रॉनी शो ग्रेट अगेन अगले साल हमारे चैनल का 10th एनिवर्सरी है और 10th एनिवर्सरी पर मुझे ये चैनल बहुत ज्यादा एक्टिव चाहिए एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस अगर ये वीडियो देखकर तुमको जीवन का आनंद मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम इस साल बने हो सब्सक्राइब तक नहीं किया तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है जो आई थिंक अभी काला पीला नीला हरा कुछ तो अलग अलग कलर का हो गया उसके पास जाओ उसको मार दो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम आई एम दिस रॉनी एंड यू जस्ट सॉ द रॉनी शो बाय बाय बस यही एक चीज है जो ये चैनल पे पिछले 9 साल से नहीं बदला है मेरा आउट्रो बाय बाय